हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम वापस से आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो कंफ्यूजन लाइक हमेशा ही, कुछ भी वीडियो अपलोड करो आप लोग तुरंत बोलते हैं दीदी ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। एंड आई फील लाइक ओके बता देते हैं बट टाइम लगता है। तो मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, पार्ट वन, मैंने उसका नाम रख दिया लेसन वन। तो उसे जाके देख लो, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। उसमें मैंने आपको मेजर और माइनर कॉर्ड्स बताए हुए कि कैसे बजते हैं। नाउ दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि उसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो मतलब मैंने कैसे किया, बाकी मुझे इतना पता नहीं है कि और सब कैसे करते हैं। बाकी मैंने खुद पियानो सीखा है, मतलब पियानो मैंने बाहर नहीं सीखा, पियानो मैंने खुद सीखा है, थोड़ा बहुत बाहर से सीखा है। तो यार उसको मैंने कैसे प्रैक्टिस करा वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि पहले मैं भी नहीं बजा पाती थी, बट नाउ आई कैन प्ले कॉर्ड्स हियर। एंड एक और चीज, आप लोग बोलते हो कि दीदी प्लीज हिंदी में दिया करो नोटेशन, हारमोनियम पे दिया करो। बेसिकली म्यूजिक एक है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, वो सी डी ई एफ जी ए बी सी, वो सब मैं चलो थर्ड पार्ट में बता दूंगी। तो मैं ये हिंदी इंग्लिश वाला जो कंफ्यूजन है ना वो थर्ड पार्ट में दूर करूंगी, क्योंकि मैंने एमए कर रखा है इंडियन क्लासिकल से और मेरा इंटरेस्ट है वेस्टर्न क्लासिकल में, तो मुझे दोनों का डिफरेंस एक्चुअली थोड़ा बहुत पता है। तो मैं उसका थर्ड पार्ट बना दूंगी। नाउ लेट्स मूव टू द वीडियो। ओके, तो कॉर्ड प्रैक्टिस कैसे करना है। सबसे पहले ना मैंने जो कॉर्ड्स लिखवाए हैं ना उस वाली वीडियो में से जाके सारे कॉर्ड्स लिख लो। पहले मेजर की प्रैक्टिस करते हैं हम। आज वाले वीडियो में बस मेजर प्रैक्टिस बताऊंगी। तो कैसे हो जाना है, सी पर आना है और कॉर्ड दबा दिया और सी स्केल के पांच कीज दबाने, 1 2 3 4 5 एंड देन बैक। तो कैसे, प्लीज कॉपी ले आओ और जो मैं बोल रही हूँ और जो मैंने वहां लिखा है प्लीज उसको लिख लेना। तो सी दबाया, सी स्केल, तो सी कॉर्ड दबा दिया और इसके इस वाले हैंड से क्या करना है, अब क्या आएगा सी शार्प। तो मैं ऊपर लिख दूंगी सबका और मैं अब बजाती जाती हूँ। तो कैसे, अब आएगा डी, सो लाइक देन उसके बाद डी शार्प, देन ई, देन F, then F sharp, then उसके बाद आएगा G, then A G sharp, then उसके बाद आएगा A, then वापस B, then वापस C। तो ये आपको तब तक करना है जब तक आपके हाथ बिल्कुल ऐसे कॉर्ड्स पे बैठ ना जाए, लाइक ऐसे। तो बस ये वाली एक्सरसाइज आप करो, तो आपके डाउट्स हैं थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो प्लीज प्रैक्टिस करो या कमेंट में बताओ कि क्या डाउट है, अभी भी डाउट क्या है। और या कीप ट्यूनिंग, मतलब मैं और वीडियोस बनाती जाऊंगी। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से ही वीडियो आगे जाती है और थोड़ा सा वायरल होने के चांसेस होते हैं। अभी तक तो मेरी कोई वीडियो वायरल हुई नहीं है, अगर हुई है तो बकवासी वीडियो वायरल हुई है और मैं ऐसी थोड़ी तेज तेज बोलती हूँ। तो यार अगर प्लीज लाइक कर देना वीडियो, प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप प्लेइंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय, एंजॉय योर डे।